यहाँ के अब खिलाड़ियों को जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मैं कार्यदायी संस्था से कहूंगा एक समय सीमा के अंदर ये सब तैयार हो जाए, तो यहाँ के युवाओं को अपना कौशल प्रशिक्षण के लिए भी और अपना कौशल दिखाने के लिए गोरखपुर के बाहर नहीं जाना होगा। उसके बाद मैं जीडीए से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग के साथ एमओयू करते हुए अच्छे कोचेज हम स्पोर्ट्स से यहां उपलब्ध करवाएंगे और यहां के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण भी हो और फिर वे गोरखपुर की तरफ से और यहां जीडीए की तरफ से वे लोग खेले, अच्छा रहेगा, उनको हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यहां का एक खिलाड़ी मेरे पास आया था शूटिंग के लिए, बिहार से खेल रहा था। मैंने कहा आने वाले समय में हम शूटिंग रेंज यहीं गोरखपुर में बनाएंगे और मैं चाहूंगा कि यहां पे कार्य, यहां पे गोरखपुर विकास प्राधिकरण उन लोगों से भी राय लें कि किस कितनी शूटिंग रेंज उनको चाहिए, किस प्रकार की रेंज चाहिए, बैडमिंटन कोर्ट कैसे बनाना है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर भी और भी कॉम्प्लेक्स हम बनाए, कहीं पे ये चीजें बनाए। हमारा प्रयास होना चाहिए पक्की बाग में एक अखाड़ा है या जनार्दन भीम, भारत भीम जनार्दन पहलवान ने भी यहां एक अखाड़ा बनाया था। इन सभी को भी हम कैसे पुनरुद्धार कर सकते हैं, वहां पर भी मैटिंग देने की कार्रवाई हो, उसके पुनरुद्धार की कार्रवाई हो और भी नए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने अभी नौसड़ के आगे बागागाड़ा से थोड़ी आगे एक लगभग 150 एकड़ लैंड हमने आरक्षित की है गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण के लिए। बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। अब ये लैंड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर उस पर भी कार्य प्रारंभ कराएंगे धीरे धीरे करके। ये चीजें खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये हमारे युवाओं के सामर्थ्य को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बनता है।